देखो भाई हो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। सो भाइयों, टाइम हो गया अपना 5:04, और अगेन आप लोगों को आज हम लेके चल रहे हैं ट्रिप पे। गाड़ी हो गई अपनी रेडी, गाड़ी चलाएंगे आज अपने शुभम भाई, उनसे हम पूछेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, शुभम भाई अपने बैठ गए हैं पायलट सीट पे, और को पायलट अपने बॉस हैं ही, वो भी रेडी हैं। प्लस आज इस बंदे को शायद पहले कभी देखा होगा, ये देखो भाइयों, इसकी मुस्कान देखो, ये आपने आर्यन सिंह। सो भाई स्नैपचैट तपा दिए एक मिनट। सो चलो भाइयों चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आज हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, और शुभम भाई से पूछेंगे भी, हाँ भाई पेट्रोल मैनुअल कैसी लगी। उस दिन तो उनने चलाई थी, कह रहे थे यार बढ़िया लगी बढ़िया लगी, आज फुली देखेंगे कैसी क्या लगी। ये आ गया भाई साहब अपने दादा, आज चिकने चिकने होके। उधर से आ जाओ, उधर से उस साइड से। आओ आओ दादा, कम दादा, जॉइन अवर पार्टी, चलें। चलो भाइयों, जय गणेश महाराज की जय, भोले बाबा की जय हो। मिलाते हैं भाइयों आपको आगे, और दिखाते हैं कहाँ चल रहे हैं हम सब बैठ के, कहाँ जा। जयपुर वाले रोड पे, जयपुर वाले हाईवे पे। ये देखो रॉन्ग साइड डिपर दे रही है मैडम जी, पूरा जाम लगा रखा है इसी चक्कर में। अरे खाली है सब, बाकी खाली आगे डाल आ रहा था, देख रहे हो भाई साहब, भगवान। वो सामने से डिपर और दे रही है वुमेन, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं भाइयों, और कितनी दूर रह गई है मंजिल, 144 किलोमीटर, और 9:57 टाइम आ गया अपना। मस्त गाड़ी अपनी चल रही है 100 की स्पीड से, और बस चल ही रहे हैं। सारे भाई बैठ के जा रहे हैं, देखो कैसे बैठ के जा रहे हैं। ये क्या जा रहा है? टरबाइन पाइप एरोप्लेन का। एक विकेट गिर चुका है भाइयों, बाकी सब खड़े हैं अभी, उनको कुछ ना हो जाए। देख फोन देख, कितनी टाइट पकड़ रखा है, सोए पड़ा है। इसे कौन सा लोग पता है, ये पहले ही चटका हुआ है, और इसका रियर देख लेगा तो डर जाएगा। तू कवर निकाल के रहन दे, कभी शीशा चढ़ जाए। रहन दे, इसी वजह से कह रहा है। साफ तो है, खोल पूरा तो खोल। अबे सही करा लिया था क्या तूने? खोल अरे सही तो है। अच्छा पहले वाला तूने सही करा दिया था? अच्छा नया लिया है क्या? नहीं भाई, आर्यन भाई का दादा के हाथ में लगते हुए, और यहाँ सांस अटकी हुई है। अभी लेटा है, जब वीडियो ऑन हुई है अभी तक यहीं खड़ा हुआ देख रहा था। हाईवे हो गया अपना कंप्लीट, और अब 58 किलोमीटर रह गया है, और 58 किलोमीटर हमें ऐसे ही रास्ता मिलने वाला है भाइयों, और
ये अभी भी पड़ा हुआ है, जग गया जब से आई। नहीं कैसा, कुछ शौक ही नहीं है, कुछ चीज देखने का नहीं, जगह पहाड़ वहाड़ देखने का। देख ले भाई, मैं देख लूंगा भाई, तू देख ले। बादाम शेक पिए ना फलूदा वाला, रास्ता काफी ब्यूटीफुल आ गया है, पहाड़ भी बहुत करीब आ गए हैं। हैं भैया, उतारू तुझे पैदल, रास्ता देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, 6-7 घंटे में बन जाएगी। ना ना, इतना भी ब्यूटीफुल नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी धारे चल रही है। कारा थारा रूबी को ना बस आने वाला है। अभी कितना, 48 किलोमीटर तक रास्ता बहुत बढ़िया मिल रहा है, आप देख सकते हो। अभी क्या पता आगे चल के हमें पहाड़ भी मिले, थोड़ा पहाड़ी रास्ता। गाइस मुझे तो लग रहा है मैं देहरादून में हूँ। कहाँ हो? देहरादून है, देहरादून। अच्छा, तो आपने मेरी तरह 3 बारी देहरादून सुनी लिया होगा। ये देखो पहाड़ आ गए हैं और पहाड़ों की ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है अपनी, बहुत ही अच्छा लगा। ओए ओए, अरे अरे, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो डिवाइड कर रखा, तो ये बढ़िया है, ये सेफेस्ट माउंटेन ड्राइव हो जाती है, इससे आमने सामने का टकराने वाला वो चीज खत्म हो जाती है। यश पार्टी ट्रांसपोर्ट कंपनी, बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ। बेटा, ये ऐसे बेटे हो तो बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ। मुंह बंद कर लिया, ये देखो कैसे पड़ा हुआ है। क्या टाइम हो गया? 8:55 हो गए। मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश भी सही स्पीड से मिल गई है हमें। श्री खाटू श्याम जी टोल प्लाजा, देखो भाइयों, ये कह रहे पीछे जाओ, और मंदिर है हमारा आगे, हम जा रहे हैं भाइयों खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शन करने। और ये देख लो, जो उनके चिन्ह होते हैं वो लेके जा रहे हैं लोग पैदल, झंडे जो होते हैं यात्रा कर रहे हैं। तो उसे लेके आ रहे हो भाई, बहुत पैदल चल चढ़ाते हैं। तो आज हम लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं श्याम बाबा के। गाड़ी अपनी पार्क हो गई है भाइयों, भाई स्ट्रेच हो गए बिल्कुल एकदम। गुड मॉर्निंग, क्या भाई चप्पल अपने गाड़ी में खोल दो, वो तो मुझे पता ही है क्योंकि जो एंट्री में एंट्री जमा करोगे मिलेंगे नहीं, तो जूते वूते यहाँ उतार के नंगे पैर जाना पड़ेगा माटी में, मेरे को भी आ रही है। तो हमने कर लिया रिक्शा मंदिर तक जाने के लिए। यो यो, जय बाबा श्याम की जय हो। और घर कह रहे हैं भाई कितनी कृपा है भगवान की, कैसे पुण्य करेंगे प्रसाद ले लिया अब हम लोगों ने, अब चल रहे हैं मंदिर के रास्ते पद यात्रा करते हुए। I'm going to go to the hospital.
दर्शन अपने कंप्लीट हो गए हैं, बढ़िया हो गए नहीं? बढ़िया, मजा आ गया। फोन पे तो लगा दिया, बाकी पूछ ले आगे। अब आगे जाएंगे कहाँ पे? सारा सर बालाजी। हाँ वहाँ पे टाइम से फ्री हो गए ना, हमें लगा था टाइम लग जाएगा, बट अब देखते हैं आगे। तो भाई हम यहाँ खाटू शाम में अब भटक रहे हैं, दर्शन तो हमारे हो गए हैं, बस गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम पार्किंग में बैठे और सीधे यहाँ पे आ गए। अब हमें पता ही नहीं है गाड़ी हमारी खड़ी कहाँ है, तो वही सब भटक रहे हैं और देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पर्ची है उस पर लिखा है नगर पालिका पार्किंग, अब देखें कहाँ मिलेगी हमें नगर पालिका पार्किंग। कोई रिक्शा वाले करना पड़ेगा, एक तो वो किया कनेक्ट भी नहीं चल रहा है, नहीं उससे देख लेते हम गाड़ी कहाँ खड़ी है। भाई फोन थोड़ा नीचे, भटक ही रहे हैं, पार्किंग तो मिल ही नहीं रही भाइयो, कैसे होगा? इनकी अलग चल रही है। ओ भाई आरन भैया की बातचीत है हर जगह। नहीं तो आ तुम आ गए ना। अरे भाई सही है, और कहीं खाना है? चल लो खा लेते हैं। नहीं सोच लो, अभी भारी है, अंदर जाके मत बोलना। नहीं नहीं चल, डाल तो हम भाई और कुछ खाने पीने आ गए हैं। टाइम कितना हो गया अपना? अरे 11:43। ये आ गए भाइयों अपनी प्याज कचौड़ी। अभी ना डन, अब फिर से रिसर्च चालू पार्किंग की। क्या भाइयों मेन गेट फाइनली, और अब तो पैर भी मतलब जल रही है भाई जमीन। अब बस पहुंचेंगे और शूज वूज पहनेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी, धूप आ गई है भाई, कतई भयंकर पैर जल रहे। अब तेजी तेजी में पहुंच रहे हैं पार्किंग। मेरे पीछे जो पड़ा था आओ दादा, मैं कैसे निकलता हूँ ऐसा देखना चाहता था। ओ बॉस फाइनली भाई वो आ गए पार्किंग में, और कितनी जल रही है ना मट्टी। वाह दादा क्या साफ कर रहा था, रुक जा ले तू इतने बैठ के, वो पहन ले जूते। हाँ बेटे लाइफ हैक्स, वाओ। जब हमें वापस ही जाना है तो इसमें राधा राधा दो बार बोलो तो आधार दो बार राम बोलने से 108 वो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 108 बार जाप हो जाता है, 108 बार राम राम। ओ भाई साहब ये तो चार लिया, लो 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 भैया ये चुपचाप चावनी।
कहाँ करने का मन है लंच? अब तो तुम तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर देखो ये मैंने घर का लगा रखा है 11:30 गाजर भी पहुँच जाओगे, गाजर कुछ खाओ तुम। हाँ निकल गए यहाँ से तो गुड़गांव खाना पड़ेगा 11:30। सबसे बढ़िया भाई साहब अलग अलग चीज के लिए है, चारों कंपनी है वो, चारों अलग अलग चीज के लिए। मर्सिडीज क्लास के लिए होता है, कंफर्ट क्लास के लिए, एवरेज के लिए है, कंफर्ट के लिए है। ऑडी आपको हमेशा सर्विस में सही पड़ेगा, ठीक है, पिकअप में सही पड़ेगा, बाहर कराओगे तो सही पड़ती है ऑडी। बीएम हमेशा पावर के लिए ही है, वो गाड़ी है ही सिर्फ पावर के लिए। बीएमडब्ल्यू की गाड़ियों में हर रेंज में अगर तुम देखोगे तो तीनों सेगमेंट, तीनों कंपनी की सबसे ज्यादा बीएचपी तुम्हें उसी की गाड़ी में मिलेगी, इसलिए सबसे महंगी भी वही है। देखो भाई और चले हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई और देखो मुंह खुल गया इसका, पूरा फैला पड़ा है ये आदमी, देख लो। और एक ही है ये देखो, ये वो है शबनम का आशिक जिस हिसाब से पड़ा हुआ है। शबनम तुम मुझे क्यों छोड़ के गई? शबनम ओए शबनम के आशिक। और ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। बस चढ़ने वाले हैं हाईवे पे जिप्सी। मैं सोच रहा हूँ जीरो हो जाए तभी डलाऊंगा। अरे भैया जीरो के बाद भी तो चलती होगी रिजर्व में। पीली पे चलती तो है लेकिन कभी देखी नहीं कितनी चली कब तक। आज एक्सपेरिमेंट कर ही लिया था। चलो डन। ये जीरो नहीं दिखाती जैसे रेंज ना, ये ऐसे दिखा देगी 35 किलोमीटर। हाँ 35 या 45 पे इसकी वो बच जाए रेटिंग। लाल होने के बाद भी इसकी रेंज गायब नहीं होती, रेंज रहती है। फिर वो रिजर्व वाला वो ऑन हो जाएगा। पानी दो क्या? टाइम हो गया भाई 2:09 और अपना मेन हाईवे स्टार्ट हो गया। ये कौन सा लगता है NH? 48 बम्स बहुत हैं इस पे, सो इसको भी डेवलप्ड किया जाए। बाकी ये राजस्थान के पहाड़ छोटे छोटे, तो 2510 का पेट्रोल होल्डर ला लिया हमने। उठ गए भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये प्यार में क्यों होता है? सुन दे यार, इतना घटिया रोड है ये देखो गड्ढे देखो NH 48। ये तो फिर भी चल, नेशनल हाईवे है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है जिससे रेंज में आ जाते हैं पंजाब हिमाचल, उसकी हालत देखी तुमने कभी? उस पर जाइयो भाई, तू बायगढ़ रोज आएगा, हर गाड़ी 100 पे चल रही है, एक घंटा आया उसका तरता तरता घंटे भाई, तो गाड़ी बची नहीं सकती। ये भी तो देखो कितना खराब हो रखा है, बीच में सही है फिर एकदम ऐसे गड्ढे आएंगे, गाड़ी रोक ही नहीं सकते। दैड़ दैड़ वो सब छोड़ो, हल्दीराम आ रहा है। हल्दीराम का क्या करना है बेटा मेरी जान, इस पे खाना है। हल्दीराम पे क्या पाव भाजी खाओगे? तुझे खाना खाना है या क्या खाना है पहले तुम ये डिसाइड करो। खाना खाने का मतलब अच्छे लोग होते हैं ना, पनीर दाल मखनी चाप। डाउन पेमेंट देने कितनी की? मौसम हो गया भाई अब बहुत मस्त, और ऐसे तीनों पड़ गए हैं, ये देखो कैसे पड़े हुए हैं आगे। ये देखो भाई वो बारिश आ रही है मस्त, छमा छम छम बारिश नहीं आ रही, नहलाने वाली बारिश आ रही है, प्लस ये ट्रकों से पानी आता है। ये देखो अरे ट्रक आया था, कार में देखी पेड़ का पीछे अभी सारा जग जाएगा। बारिश भी तो तेज है, वो बारिश भी तेज हो गई अब तो। मस्त हो गया भाई मौसम। देखो भाईयो क्या भाई साहब कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, ट्रक पूरा पलटा हुआ है। ओए होए शिट, वो भारी मशीनरी वाला ये ऐसे पलटा कैसे है? क्या उस साइड से आया है क्या डिवाइडर पे से? इसी तरफ से आया है, तो इतना घूम के पलट गया। हां इसने वजन ज्यादा होगा या कट मार दिया होगा इसने? जगनार ज्यादा वजन। ओ हम लोग आ गए हैं ओल्ड राव पे, हैं यहाँ पे देख एरोप्लेन भी है।
यो भाई चाइनीज वाइनी सब है भाई के पास, चाइनीज एक कह रहा ना तू सब समझ नहीं आता, चाइनीज वाइनी सब है, अलग टाइप देख लेते हैं। पाँच बजे नौ, पाँच बज के नौ हो गए भाई, और यहाँ खड़ी अपनी गाड़ी। रिव्यू दे लो मेरा। कैसा रिव्यू देना चाहो? टट्टी रिव्यू है यहाँ पे तो, दिखा रहे हैं इससे अच्छा तो दिल्ली में है। डेढ़ घंटा लगा दिया हमें खाना खिलाने में, सारा टाइम जो हम जल्दी जल्दी पहुँचने का कर रहे थे सब खा गए। अब निकल रहे हैं भाइयों यहाँ से। बारिश वाला मौसम चला गया, हम तो भाइयों सो गए थे, ये भी ये तो सोता ही रहा है सबसे, और ये भी सो ही रहा है, तो सो ही गए थे। फिर अचानक एकदम रुकी गाड़ी, फिर हम उठे, अब खा पी लिया, अब चल रहे हैं वापसी घर की ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। देखो भाइयों प्रोंग्स एक और दिख गई, एक वहां पे भी दिखी थी, एक यहाँ पे भी दिखी, कितनी मतलब गाड़ी नहीं आते ही कितनी दिखने लग गई रोडों पे। सेल देख रहे हो कितनी है इस गाड़ी की, ये है भाइयों मारुति की पावर, नई गाड़ी आई नी के सेल दिखनी चालू। देख रहा है, कमेंट कर दो, देख रहा है विनोद, ये तो वही चिंगम च भाई हेड हाउस, ये वाले बिल्डिंग बताते भाई। अच्छा क्या हुआ था यहाँ पे? ये टोल है ना, इनका ऑफिस बना था यहाँ पे, कहते है की आग लग गई थी और कुछ एक एम्प्लॉयज जो ऊपर के फ्लोर्स वगैरह पे थे वो एस्केप नहीं कर पाए और इसी में जल के मर गए थे। शीशे टूटे हुए हैं अभी तक, आज तक कोई मरम्मत भी नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं हॉन्टेड है, यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने गुड़गांव वाले कमेंट करे, चीजें ऑब्जर्व की हुई है। जैसे गाजवाल में KC-10 बनना हुआ, ये कौन सा मानेसर वाला है टोल? हाँ मानेसर वाला, मानेसर वाले, माय गॉड, KC-10 कोठी बनना हुआ हॉन्टेड के लिए। 6:20 हो गए हैं, अब देखो कब तक खड़े हो रहे हैं हम इस जाम में, बाहर निकल के दिखाओ कितना तुम मजा। वैसे भी बारिश हुई थी यहाँ पे तो बस मिलेगा ही जाम, भरो मांग मेरी भरो। भाई इको में कैसे भाई सा सामान रख रखा है, मैं वीडियो बनाते हैं सर हमारी, ये देखो। अरे यार सो फाइनली हम इंडिया गेट पे आ गए गुड़गांव के जाम के बाद, और टाइम हो गया है 7:02। तो शुभम भैया ने हमारी गाड़ी में लगाया हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, उधर सनातन धर्म की जय हो, जय हो। भाई अब टाइम आ गया है अपने एक भाई को बाय बाय बोलने का, इसका सामान निकाल के दे दूं हैं। हाय हाय हालत देखो गाड़ी की, भाई देखो अपना ही सामान लेना, किसी और का सामान मत ले जाना, चले जा भाई चले जा। हाँ चले जा, बता देना आप इसे कर देना, चल ठीक है मैंने पहुंच के फोन कर दियो, बाय बाय बाय। सनातन धर्म की जय हो। छप्पन हो गए और अब भैया को भी छोड़ने का टाइम आ गया है, भाइयों थक भी गए हम सब। ओ भैया 500-600 किलोमीटर पेट्रोल मैनुअल चला के कैसा लगा? अरे भाई कोई फर्क नहीं है, तो अभी 500 कहेगा तो भी चला सकता हूँ। अच्छा पता है तू मुझे कहेगा ना भैया 24 घंटे सोए हुए हो, गाड़ी चलानी है 1000 किलोमीटर, भाई गाड़ी चलाते हो ना मेरा दिमाग इतना अलर्ट होता है कि मैं मुझे नींद आ ही नहीं सकती। नहीं जैसे पेट्रोल थी तो डीजल वाली से कैसी लगी? गाड़ी तो अच्छी है ही, मेरी वीडियो कहीं डाली ना तूने गोली मार। अरे यही तो मेन है यार, नहीं भाई कलर बदल गया इसका, मैट रेड हो गया बारिश के चक्कर में, गर्म हो गई होगी भाई, तो पूरे दिन चली है गाड़ी यार।
ओटीपी डाल लेना भैया जी। वैगनार में नहीं बैठा हूँ। वैसे भैया जी एक बात बताओगे, आप कैसे अफोर्ड कर लेते हो एल्टोस को ओटीपी में? ये देखो भाइयों कैमरे की हालत, कुछ नहीं दिख रहा, इतना गंदा हो गया कैमरा अभी इसका। ओके भाई बाय बाय, मिलते हैं यस अगले ट्रिप पे। हाँ बढ़िया रहा आज भी, श्याम बाबा के दर्शन हो गए, मजा आ गया। बाय 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 गाइस, नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं। यो बाय बाय। 58 हो गए भाइयों, टाइम से आ गए हैं हम अपना घर, गाड़ी हो गई है काफी गंदी और बस। प्लस भाइयों मैं अभी बस थोड़ी देर के लिए इस पे बैठा हूँ, मेरे को तो इतनी अजीब लग रही है, इतने टाइम बाद मैंने ये गाड़ी पकड़ी है, इतने टाइम से मैं वैगनार चला रहा हूँ। और प्लस ये देखो इसके कैमरे की धूल खा खा के, मतलब गाड़ी पे इतनी मट्टी है क्या बताऊँ। अरे यार क्या करते हैं, हैप्पी डेंट रह गई थी वो लेने के लिए, दोबारा खुलवा दी। ये खड़ी वैगनार और बस गाड़ी, अब कर रहे हैं भाइयों हम पार्क और बाहर से एक बारी आपको दर्शन और करा दूं। ये देखो भाइयों क्या हुई है हालत, और इसको करीब इतनी पीछे लगाना पड़ता तब ये वैगनार के बराबर आती है गाड़ी। और ये देखो मैं कह रहा था ना बहुत दिन से गाड़ी खड़ी नहीं थी, बारिश आई है ना, इसका बोनट यहाँ तक आ रखा था, तो उस हिसाब से ये इसके यहाँ पे टायर के निशान, तो ये हफ्ते भर से भी ज़्यादा की खड़ी हुई थी गाड़ी हमारी सेल्टोस, वैगनार चल रही थी। और देखो सारा निशान बन गए यहाँ पे इसके, और आप हालत देख सकते हो गाड़ी की क्या हालत करके आए हैं वो, तो चलो कल सुबह सफाई वाले भैया आएंगे वो कर ही देंगे। सो भाइयों यही थी अपनी छोटी सी एक ट्रिप, थोड़ी सी मैं आगे कर ही देता हूँ गाड़ी। ये देख लो भाइयों इसने मतलब 14.4 की एवरेज दी है टोटल, ये 612 किलोमीटर चली, नहीं 609 किलोमीटर चली है और 14 का एवरेज दिया है इसने, सो 600 किलोमीटर चल गई है। प्लस आप देख लो अभी भी कूल की तरफ ही ज़्यादा है इसका, एक तो ये भी इसका गंदा हो रखा है गाड़ी, यार सफाई मांग रही है। अरे 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 वाइपर चल गए। सो भाइयों अभी इसकी मेरे को लग रहा है एक आध दिन में ना अच्छे से अंदर बाहर सब जगह की सफाई करानी पड़ेगी, अंदर भी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, कूड़ा वूड़ा ही पड़ा हुआ है हर जगह। सो यही थी बस वीडियो भाइयों, मज़ा आ गया, अपने श्याम बाबा के दर्शन हो गए, बड़े अच्छे दर्शन दिए बाबा ने। सो काफ़ी थैंकफुल हैं हम आप लोगों के लिए भी, यहाँ तक आपने वीडियो देखी, ऐसे ही भाइयों प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर भाइयों, बाय बाय भाइयों, बाय बाय।